अस्सलाम वालेकुम, लालच किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको एक ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट की रेसिपी देंगे जो कि दो किस्म के पराठे होंगे, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको आज का सुबह सुबह का मौसम दिखा रही हूं और अपने प्लांट्स थोड़े बहुत दिखा रही हूं जो आज फूल खिले हैं, रेड के कलर के हैं, बहुत ही खुशबूदार। पूरे घर में फूलों की खुशबू है, घर जो है फूलों की खुशबू से महक उठा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फेवरेट फूल। ये आप देख सकते हैं, ये असली गुलाब के फूल हैं और कलर देखें कितना अच्छा कलर है और खुशबू तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। सुबह सुबह का मौसम है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अभी अभी मुर्गियां जो थी वो बंद थी, मैंने इनको खोल दिया है। अब ये ठंडी हवा फिज़ा में घूम रही हैं और ऊपर आपको दिखाऊं तो बादल बने हुए हैं। सुबह सुबह बारिश आई थी, तकरीबन आधा घंटा बारिश आने के बाद का मौसम है। आधा घंटा पहले बारिश आई, अब उसके बाद मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग भी साथ बना लूं और आप लोगों के साथ शेयर कर लूं और अपने प्लांट्स दिखाऊं कि अब वो कितने हरे भरे हैं। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ ये झूला भी शेयर कर रही हूं। ये झूला भी मेरे घर में लगा हुआ है और यहाँ पे ग्रास वगैरह लगाना है। अभी इसकी सेटिंग हो रही है तो ग्रास हमने नहीं लगाया। जब ग्रास लगाएंगे तो हमारी मुर्गियाँ जो हैं वो खुश होंगी, हरे भरे खेत में जैसे खुश होती हैं वैसे इधर घर में इनके लिए एक खेत बन जाएगा। तो ये झूला है, अब मैं झूले पे बैठ रही हूँ। ये इसका फ्रंट है और इस पे हम सोकर भी झूला ले सकते हैं, बैठकर भी ले सकते हैं, आप चाहे जैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी जनाब, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त और मेरा फेवरेट मौसम है। बादल जो है अभी तक हैं आसमान पर और सूरज की किरणें भी आ रही हैं यहाँ से। थोड़ा बहुत सूरज ने अपना मुंह निकाला हुआ है बादलों की ओर से। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है इतनी ज़ोर की और काफ़ी अच्छा मौसम है। सूरज को आप देख सकते हैं, सूरज किस तरह छुपा हुआ है बादलों में और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि अभी कुछ देर ही पहले बारिश हुई थी, मौसम बहुत ठंडा हो गया। इतनी गर्मी के मौसम में अगर ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए जाएं और चाय के साथ खाए जाएं तो क्या ही बात है। इसके बाद चलेंगे हम किचन में। किचन में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं दो स्टाइल के पराठे बना रही हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे, तो आपने ब्रेकफास्ट की रेसिपी लाजमी देखनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, लेमन प्लांट जो है उसके ऊपर अभी लेमन लग रहे हैं। एक पहले मैंने वीडियो दी थी आप लोगों को तो वहाँ उसमें फूल लगे हुए थे, तो अब भी यहाँ थोड़े बहुत फूल हैं वरना ज़्यादातर जो है वो लेमन लग चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा गिर भी रहे हैं। तो इस प्लांट को मैंने बांध दिया रस्सी के साथ क्योंकि ये ज़मीन पे लटका हुआ था। जब लेमन होते हैं तो वज़न की वजह से इसकी जो ये हैं टहनियाँ वगैरह वो नीचे ज़मीन के साथ लग जाती हैं, तो मिट्टी वगैरह इन पत्तों के ऊपर लग जाती है। ये मैंने इनको बांध दिया है ऊपर, अब ये नीचे नहीं है और ना ही मिट्टी लगती है। जब बारिश आती है तो ये वाश हो जाती हैं और बारिश के जो कतरे होते हैं इन पत्तों के ऊपर वो तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, खूबसूरत से पौधे लगते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ शबनम के कतरे जैसे पड़े हुए हों, ये बारिश के कतरे हैं पौधों के ऊपर, आपको नज़र तो आ रहे होंगे। ये देखें और ये सब्ज़ किस तरह खिलकर कलर आया है इनका बारिश की वजह से, सारे पौधे जो हैं आज खुश हैं। अब आ गए हैं हम किचन में। किचन में मैंने बनाए हैं पराठे और जो मैं बनाती हूँ पराठे तो उनमें एक होल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों का तो नहीं होता ना ऐसे, ये तो मेरे साथ होता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अंडा।
अंडे को मैंने फेंट लिया, उसमें नमक और लाल मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था, फिर उसको मिक्स कर लिया था, वो एक साइड पे रखा हुआ। ये है, अब ये देखें, एक छोटी सी पतली सी मैंने रोटी बना ली, उसके ऊपर ये अंडा डाल दिया। अगर आपकी रोटी अच्छी नहीं बनती, उस पर सुराख बन जाते हैं, तो कोई मसला नहीं, आपने बिल्कुल इस तरीके से बना लेना है, तो वो जो सुराख है रोटी के वो फिल हो जाते हैं अंडे से, तो आपने इसके ऊपर अंडा फैला देना है बिल्कुल इसी तरीके से। रोटी को आप घुमा भी सकते हैं, और अगर नहीं घुमाना तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये ऐसे फर्स्ट जो पहली रोटी होती है वो मेरी रफ सी बनती है, अच्छी नहीं बनती, तो दूसरी शायद अच्छी बने, लेकिन ये पहली है। अब साइड से जो है वो मैं ऑयल डाल दूँगी, ऑयल के डालने से जो इसके ऊपर अंडा लगा है वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अगर आपने ऑयल नहीं डालना तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी कुक हो जाएगा, तो इससे जो है थोड़ा टेस्ट डबल आ जाता है पराठे का, ऑयल के बगैर तो पराठा ही नहीं लगता। अगर आप ऑयल नहीं खाना चाहते, ऑयल फ्री रोटी खाना चाहते हैं, ऑयल फ्री चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसके ऊपर ऑयल ना डालें, ऐसे ही बना लें, फिर भी अच्छा बनता है। तो आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। ये देखें, ये एक पराठा बनकर तैयार हो गया है, और मैं दूसरा पराठा आपको दिखाती हूँ, वो मैं कैसे बना रही हूँ वो भी आपने देखना है। ये देखें, दूसरा जो बना रही हूँ उसके ऊपर भी एक सुराख हो गया है। जब भी रोटी बनाती हूँ मैं, उसके ऊपर एक ना एक सुराख हो ही जाता है। तो ये देखें, अब इसको मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपने करना है, इसको आपने फैलाना है और रोटी को घुमाना है। जो पहले वाला पराठा मैंने बनाया था उसको नहीं घुमाया था, लेकिन अब मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। और कुछ लोग हाथ तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते रोटी बनाते वक्त, लेकिन मैं सिर्फ हाथों से ही रोटी बनाती हूँ और घुमाती भी हूँ हाथ से हूँ, और इसको पलटती भी हाथ से हूँ। कुछ लोग जो है वो रोटी हाथ पे नहीं बेलते, बेलन से बेलते हैं, और फिर तवे पे डालने के बाद चिमटे के साथ इसको घुमाते हैं, फिर उतारते भी चिमटे के साथ ही हैं, लेकिन हम हाथों से बनाते हैं और फिर हाथों से ही इसको पकाते हैं घुमाते हैं। तो आपने इस तरह से बनानी है, आप चाहे तो पलटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिमटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपकी मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ किचन की सफाई भी करते रहें, क्योंकि आटा जो गिरता है किचन में चूल्हे के ऊपर तो वो बहुत रफ सा लगता है किचन, साथ साथ आप सफाई भी करते जाएं और खाना भी बनाते जाएं, तो आपका खाना भी रेडी हो जाएगा, किचन की सफाई भी हो जाएगी साथ साथ। ये दो पराठे हो गए इस तरीके से, और मैं दूसरा स्टाइल बता रही हूँ आपको पराठे का। तो ये देखें, ये मैंने क्या किया था, दो छोटे से डो बना लिए थे, उसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, फिर वो दो जो डो थे उनको आपस में चिपका के उनका पराठा बना लिया। और आप तवे को एक साइड पे कर लें और फिर इसको आग पे पकाएं, इसको घुमाते जाएं और बनाते जाएं, जहाँ से आपको लगे ये अभी पक्की नहीं है तो वो वाली साइड आप पका लें। और ये देखें, धुआं जो है वो निकल रहा है, भाप कहते हैं इसको, भाप निकल रही है, क्योंकि ये दो रोटियां हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, इनके अंदर जो है वो ऑयल रखा हुआ था, तो इसलिए भाप निकल रही थी। अब जब ये आधा पक जाए तो आपने इसके ऊपर फिर ऑयल डाल देना है और फिर इसको घुमाना है। जितना ज़्यादा आप इसको घुमाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा रेड कलर का और अच्छा बनता जाएगा। अगर आपने ऑयल डाल के इसको नहीं घुमाया, वैसे ही पड़ा रहने दिया, तो वो जल जाएगा। अगर आपने अच्छा और फ्रेश पराठा बनाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। और ये दूसरा पराठा भी सेम उसी तरीके से है, दो रोटियां आपस में चिपकी हुई हैं, और ये देखें, ये पलटते ही इसका ये वाला साइड भी आप देख लें। अब इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से सारे पराठे बना लूंगी।
ये वाला पराठा जो है ये फूल रहा है कुछ ज़्यादा, और इसके बाद जो मैंने लास्ट में बनाया था वो बहुत ज़बरदस्त बना था, वो इतना ज़्यादा फूला था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। वो पराठा ज़बरदस्त बना था और उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ऑयल डाल के दो रोटियों के साथ बना लिया था, लेकिन वो काफ़ी अच्छा बना था। जो पहला पराठा बनता है मेरा वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, दूसरा उससे थोड़ा अच्छा बनता है, और तीसरा उससे अच्छा, इस तरह जितने भी बनाती हूँ वो अच्छे बनते जाते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो सबसे बेस्ट बनता है। तो ये बन गया, बस ये मैंने पता नहीं कितने पराठे बना लिए, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने कितने पराठे बनाए हैं। और ये वाला पराठा जो है ये काफ़ी अच्छे से फूलेगा, ये देखें ये बहुत अच्छे से फूला था और बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। तो आज की जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है ये देखें आप कैसी लगी है, आपको उम्मीद अच्छी लगी होगी, और मेरे प्लांट्स कैसे लगे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना है, और पराठों को बताना, पराठे का बताना कितने बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।